हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वीके मेहता का एमसीक्यू देख रहे थे और अभी हम फिलहाल ट्रांजिस्टर बायसिंग चैप्टर देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और अगर आपको फुल सोल्यूशन चाहिए, पूरा क्वेश्चन का पूरा डिटेल में सोल्यूशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद फिर जब हम इसका फुल सोल्यूशन लेकर के आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बायसिंग रिप्रेजेंट्स कौन सा कंडीशन, एसी या फिर डीसी कंडीशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, डीसी कंडीशन। ट्रांजिस्टर बायसिंग रिप्रेजेंट डीसी कंडीशन। उसके बाद दो नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बायसिंग इज डन टू कीप, उसके बाद ऑप्शन देख लेते हैं, वीसीसी कंसिडरेशन, नन ऑफ दीज। तो ये दो नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिया नहीं गया है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है 33 है, और मैं बता दूं कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है रिवीजन पर्पस से बनाया जा रहा है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और जो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो लोगों का रिस्पांस देखने के बाद अगर आप लोगों का रिस्पांस सही आया तो फिर न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे और सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। अभी हम सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन से, जिससे आप आसानी से याद कर सके। तो आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ वी बी का वैल्यू जो होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई सी या फिर स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑफ आई सी। तो 33 का हमारा सही आंसर 2 हो जाएगा, इट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ आई सी। द वैल्यू ऑफ वी बी जो होता है आई सी से इंडिपेंडेंट होता है। व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस द ऑपरेटिंग पॉइंट इज शिफ्टेड ड्यू टू, टेम्परेचर चेंज होने से ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो टेम्परेचर चेंज होने से जो आई सी बी ओ है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर ए बेस बायस, बेस बायस के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू क्या होगा। तो 35 हमारा हो जाएगा 3 नंबर सही, इसका बीटा प्लस 1। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36, इन ए वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट द वैल्यू ऑफ आर ई इज अबाउट, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट में आर का वैल्यू कितना होगा। तो 36 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 800 ओम, ठीक है। उसके बाद 35 हमने बताया था, 35 का आंसर 3 था, बीटा प्लस 1। द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर ए बेस बायस इज बीटा प्लस 1, और इन ए वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट द वैल्यू ऑफ आर इज अबाउट 800 ओम। उसके बाद जो न्यूमेरिकल है उसको हम स्किप कर दे रहे हैं, वो बाद में देखेंगे जब आप लोग का रिस्पॉन्स होगा। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है थ्योरी टाइप। तो यहाँ पर सारा जो दिया है न्यूमेरिकल दिया हुआ है। 73 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ आई सी बी ओ इज इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पियर व्हाट विल द वैल्यू ऑफ आई सी ई ओ। तो आई सी बी ओ पता है और आई सी ई ओ निकालना है, और बीटा का वैल्यू 150 दे दिया है। तो 73 एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसका सही आंसर होगा 151 माइक्रो एम्पियर। उसके बाद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट इन ए बेस्ड बायस ट्रांजिस्टर, बायस ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा 2, आई सी सेट सैचुरेटेड। आइडियली ए डी सी लोड लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन ऑन कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व बिटवीन, डी सी लोड लाइन जो होता है किसके किसके बीच ड्रॉ किया जाता है। तो 75 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, वी सी एंड आई सी सेचुरेशन के बीच। 76 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए साइनोसॉइडल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ ए बायस्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड द रिजल्टिंग साइनोसॉइडल कलेक्टर वोल्टेज इज क्लिप्ड नियर 0 वोल्ट, द ट्रांजिस्टर इज, बोल रहा है इफ ए साइनोसॉइडल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ बायस्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर, बेस को साइनोसॉइडल सिग्नल दिया गया है इनपुट एंड द रिजल्टिंग साइनोसॉइडल कलेक्टर वोल्टेज इज क्लिप्ड नियर 0 वोल्ट, 0 वोल्ट के पास इसमें क्लिपिंग आ रहा है, तो ट्रांजिस्टर कौन सा होगा। तो 76 का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऊपर का ऑप्शन देख लेते हैं, 4 आंसर, 3 सही है, ऑपरेटिंग नन लिनियरली, और साथ में हो जाएगा इसका बींग ड्राइव इंटू कटअप। तो 2 या 3 में से कोई सही होगा, सॉरी 1 और 3 में से कोई सही होगा, या तो सैचुरेशन होगा या फिर ऑपरेटिंग नॉन लिनियरली होगा। तो 1 और 3 में से हमारा कोई ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आते हैं द डीसी बीटा फॉर ए गिवन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, डीसी बीटा जो होता है किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए
किस टाइप का करेक्टरिस्टिक शो करता है? 77 का हमारा सही आंसर 4 होगा, आइदर 1 और 3। वेरी विथ टेम्परेचर, बीटा जो होता है टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, और वेरी विथ डिवाइस टू डिवाइस, और बीटा का वैल्यू जो होता है डिवाइस टू डिवाइस भी वेरी करता है। द डिसएडवांटेज ऑफ बेस बायसीज, बेस बायस का डिसएडवांटेज क्या है? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा, इट इज टू मच बीटा डिपेंडेंट, ये बहुत ज़्यादा बीटा डिपेंडेंट होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद 79 है, इमीटर बायस इज, 79 इमीटर बायस क्या होगा? तो एक हो जाएगा इसेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, और थर्ड हो जाएगा प्रोवाइड ए स्टेबल बायस पॉइंट, तो 1 और 3 इसके लिए सही हो जाएगा। उसके बाद इन इमीटर बायस सर्किट आर ई का वैल्यू 2.7 किलो ओम है, और वी ई 15 है, तो इमीटर करंट कितना होगा? तो 80 का सही आंसर 1 हो जाएगा। तो ये था हमारा ट्रांजिस्टर बायसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।